मेवात जिले के संगेल गांव में बारातियों और महिलाओं से मारपीट, नकदी भी लूटी, मामला दर्ज, दो आरोपी गिरफ्तार। बता दें, नूह जिले के संगेल गांव में बारातियों की पिटाई करने, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने, अवैध हथियार दिखाकर छीना झपटी करने का मामला प्रकाश में आया है। सदर थाना नूह पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत 5 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत नूह पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं नूह पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार व उसके रिश्तेदार अभी भी इस घटना के बाद डरे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक श्रीचंद पुत्र जीवनलाल निवासी संगेल ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उसकी 2 बेटियों की शादी थी। बारात जिस समय चढ़ाई कर रही थी, वह वहीं गांव के ही अजीत पुत्र चैनपाल के घर के सामने से गुजर रही थी, तो बारातियों के साथ कहा सुनी हो गई। इसके बाद हथियार व लाठी डंडों से लैस होकर धीरज, ऋतिक, प्रिंस, अजीत, दीपक इत्यादि गांव के ही युवक आए और टेंट में खाना खा रही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। इतने नहीं, पीड़ित लड़की के पिता श्रीचंद के मुताबिक उनके साथ नकदी का थैला भी छीनने का प्रयास किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में नूह पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इस मामले में गहनता से जांच में नूह पुलिस जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए जाल बिछा रही है। आप देख रहे हैं नूह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोचना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम श्रीचंद है। कौन सा गाँव है? गाँव संगेल। क्या मामला? मामला शादी का। आज ही मेरी बारात चल रही थी, लड़की की शादी थी, 2 लड़कियों की शादी थी, तो बारात चल रही थी शाम के टाइम। तो जैसे भी गांव में निकल रही थी बारात, तो चैनपाल हमारे गांव का रहने वाला है ठाकुर, तो उसके घर के आगे से बारात जा रही थी, तो उनके लड़कों ने आकर के बारातियों के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद बारात चल रही थी, तो उसके बाद फिर वो पंडाल में आए थे जी, जहाँ मतलब प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ स्टेज पर चढ़ गए और जी आ कर उन्होंने धक्का मुक्की दी। लेडीजों ने धक्का मुक्की दी, मेरे थप्पड़ मारे और मतलब मेरे गिरवान पकड़ा और गाली गलौज दी, और बैग था मेरे हाथ में ही पैसों का, तो बैग को लूटने के लिए चले थे, परंतु बैग मैंने छोड़ा नहीं जी। तो क्यों आपके साथ मारपीट की गई, क्यों विरोध किया? ये तो मेरे को मालूम नहीं क्यों किया जी। हमारे उनसे कोई दुश्मनी ही नहीं थी किसी प्रकार की जी। पैसे छीन रहे थे, बरातियों के साथ मारपीट की, बरातियों के कपड़े फाड़ दिए जी। उसके बाद फिर वो सीधे पंडाल में आए, पंडाल में आकर के उन्होंने मतलब मेरे साथ हाथ पैर की और बैग छीनने की कोशिश करी। लेडीज थी, लेडियों को धक्का मारा। अब फिलहाल बेटी विदा हो गई है? हाँ, बेटी विदा हो गई जी। तो किस तरह से पुलिस को शिकायत की है, क्या कोई मुकदमा दर्ज कर सकती है? हाँ जी, पुलिस को शिकायत की है, मुकदमा दर्ज कराया है। क्या कार्रवाई इसमें हुई है? कार्रवाई ये एप्लीकेशन मेरे पास एफ आई लॉज कराई है। क्या सबसे मिला है? अब देखो जी, अब कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी पता चलेगा। मेरा नाम नरेश है, मैं संगेल गांव से वर्तमान सरपंच हूं। घटना जो 23 तारीख रात की है, 23 तारीख में मेरी 2 भतीजों की शादी थी, जो है बारात गांव में आ चुकी थी, बड़ी बारात जो है अपने फेरों के प्रोग्राम पे और वरमाला का प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। दूसरी बारात जो है गाँव में एंट्री कर चुकी थी, हम लोग दूसरी बारात को रिसीव करने में बिजी थे, और जैसे ही पहले वाली बारात का स्टेज चल रहा था, उस समय 5 जो हैं आरोपी हैं, ये दीपक पुत्र चैनपाल और दीपक का लड़का है जो है प्रिंस, और चैनपाल का छोटा लड़का अजीत, और अजीत का लड़का जो है सचिन और ऋतिक, और एक ओमकार का लड़का है जो उसका नाम धीरज है। ये 5-6 आरोपी जो आते हैं, आने के बाद में स्टेज पे लेडीजों के साथ धक्का मुक्की करते हैं, अभद्र भाषा में गाली गलौज का व्यवहार करते हुए भाई साहब जिनकी लड़की जो है लड़कियों की शादी थी, उनसे इन्होंने बैग में छीना झपटी करी, उनके साथ मारपीट करी, रात उनसे मारे इनको। बाद में फिर रिश्तेदार इकट्ठे हुए तो उन्होंने उनको बचाया, फिर वो वहाँ से भाग चुके थे। इतने हम लोग घर परिजन सब इकट्ठे हुए तो भाग चुके थे वहाँ से। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम लोगों ने जो है तभी उस समय 112 को कॉल की, 112 भी आई, और थाने में सदर में फ़ोन किया तो वहाँ से पुलिस आई, 112 पहले आ चुकी थी। 112 वाले जब उनके घर पर जाते हैं तो पिताजी हमारे साथ थे, तो उन्होंने बोला कि अभी तो ये आए हैं, चाहे कितनी पुलिस बुला लो, जो तुमसे करना है वो करो, हम तो ऐसे ही करेंगे। फिर जब सदर थाने की पुलिस आती है तो उनको बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है, तो PCR से जो आए थे उन्होंने उनको बताया कि अभी अभी इन्होंने ऐसा बोला है जी। तो उस समय जो थाना सदर वालों ने 2 आरोपियों को उठा लिया था वहाँ से, और कल शाम को उन दोनों को छोड़ दिया है।
क्या कार्रवाई इसमें चाहते हैं? कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए, 506 जितने भी हैं, अरेस्ट करने के बाद में जो कानून से उनको सजा मिलनी चाहिए, जो धारा लगनी चाहिए वो धारा लगकर उनको सजा मिले। क्या बारात अब जा चुकी है? बेटियां? हाँ, बारात जा चुकी है जी, बेटियां अपने घर पे जा चुकी है।